Dear students, welcome to online class. In this video, I am going to teach you NCERT question answer of lesson 10 from Beehive. The name of the lesson is Kathmandu. Dear students, you have to note down difficult words in your notebook with the help of your textbook. In this video, I am going to teach you NCERT question answers. Question number 1, name the two temples the author visited in Kathmandu. Kathmandu mein lekhak ne do kaun kaun se mandir dekhe? Answer dete, the author visited the Pashupatinath and Badrinath temples in Kathmandu. Lekhak ne jo do mandir in Kathmandu de, Kathmandu de Nepal ki rajdhani. To lekhak jo Vikram Seth hain, उन्होंने कौन कौन से मंदिर वहाँ के कृष्ण मंदिर देखे? वो पहला मंदिर था पशुपतिनाथ जी का और दूसरा मंदिर बौद्धनाथ मंदिर. ये दो मंदिर उन्होंने काठमांडू में देखे. कौन कौन से? पशुपतिनाथ और बौद्धनाथ नाम के दो मंदिर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइटर सेज ऑल दिस आई वॉश डाउन विद कोका कोला. व्हाट डज ऑल दिस रिफर टू? लेखक कहता है कि मैंने ये सब कोको कोला के साथ में धो डाला. व्हाट डज ऑल दिस रिफर टू? इस सेंटेंस में ऑल दिस क्या बताता है? तो ये सेंटेंस लिखा है ऑल दिस आई वॉश डाउन विद कोका कोला. ये सब मैंने कोको कोला के साथ में धो दिया. ऑल दिस रिफर्स टू ऑल द फूड आइटम्स. इस सेंटेंस में ऑल दिस सारे भोजन के जो भोजन की आइटम वस्तुएं थी उनको रिफर करता है. ऑल दिस वाने फूड आइटम्स थे. द मार्जिपान का मार्जिपान जो है ये वहाँ की प्रसिद्ध जो है स्वीट डिश है नेपाल की. और कार्ब जो हम खाए थे उनके बारे में बताता है. मार्जिपान और कार्ब कार्ब नाम से कार्ब. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज विक्रम सेठ कंपेयर टू द क्वींस ऑफ पार्क्यूपाइन. विक्रम सेठ सीही होती है जिसके की शरीर में पूरे कांटे होते हैं. जीव होता है चूहे के बड़े से चूहे के तरीके से और उसके पूरे शरीर में कांटे होते हैं उसको पार्क्यूपाइन बोलते हैं. सीही तो उसकी तुलना किससे की? विक्रम सेठ कंपेयर द फ्यूट प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ द फ्यूट. जो विक्रम सेठ बांसुरी जो बांसुरी वादक के कॉल में तमाम बड़ी संख्या में लिपटी हुई थी टू द क्विल्स ऑफ पार्क्यूपाइन. उसकी तुलना जो है पार्क्यूपाइन से करता है. क्विल्स वाले कांटे जो होते हैं आप पार्क्यूपाइन में सीधी बड़े से चूहे जैसी होती है और उसके शरीर पूरे शरीर में कांटे होते हैं उसको क्विल्स कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम फाइव काइंड्स ऑफ फ्लूट. चार प्रकार पांच प्रकार की बांसुरियों के बारे में बताइए. फाइव काइंड्स ऑफ फ्लूट पांच प्रकार की बांसुरी जो है. नंबर वन रीड रीड यानी एक नॉर्मल टाइप का होता है उससे बनाई गई. द रिकॉर्डर रिकॉर्डर द जापानीज शाकुहाची जापान की शाकुहाची और हिंदुस्तानी बांसुरी एंड क्लासिक ब्रीदी फ्लूट ऑफ साउथ अमेरिका. और साउथ अमेरिका की जो ब्रीदी फ्लूट है क्लासिक ब्रीदी फ्लूट है ये पांच प्रकार की बांसुरी लेकर निकलता है. Dear students, extra questions are in CRT mein. What difference does first paragraph likha likhne ka kya lekin jitna uchit suitable answer tha usko likha gaya to the point. What difference does the author notice between the flute seller and other actors. Lekhak jo hai wo bansuri vadak aur any actors ke beech mein kya antar paata hai दोनों में. तो
लेखक ने जाना दैट द फ्यूड सेलर वॉज काम की वापसी पर बेचने वाला जो है वो शाम टाइट एंड काम बिल्कुल शाम होकर के बेच रहा है। ही डिड नॉट स्क्रीम और चिल्ला नहीं रहा है टू सेल हिज बॉस लाइक अदर हॉकर्स, जैसे अन्य हॉकर्स फेरी वाले चिल्ला चिल्ला कर बेच रहे हैं वैसे वो नहीं बेच रहा। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बिलीफ ऑफ अश्वत्थनाथ अबाउट द एंड ऑफ द व्यू। अश्वत्थनाथ का अश्वत्थनाथ टेम्पल में कलयुग के बारे में क्या विश्वास किया जाता है। द बिलीफ दैट द अश्वत्थनाथ टेम्पल अबाउट द एंड ऑफ द कलयुग, कलयुग के अंत में अश्वत्थनाथ के मंदिर में ये विश्वास किया जाता है कि रन स्मॉल साइंस इज प्रोड्यूस कम्प्लीटली, जब छोटा सा मठ ग्रहण पूरी तरीके से पानी डूब जाएगा देन द गार्बेज विल इमर्ज आउट ऑफ ए डेली वहाँ से प्रकट होगी आपके उससे एंड और सी विल इन एंड इन टू द एविल पीरियड ऑफ कलयुग, और कलयुग के जो एविल पीरियड माने जो खराब समय है कलयुग का उसका अंत कर देंगे। स्टूडेंट्स we will meet with new information in the next video, till then goodbye, you have a nice day.